14 दरभंगा लोकसभा चुनाव के निर्मित दरभंगा शहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हो रही है। यहां पर अब देख सकते हैं गोपाल जी ठाकुर और सभी नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं, मौजूद हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए भारत प्रेस समाचार। आइए गोपाल जी ठाकुर से सुनते हैं कि आज के प्रोग्राम का क्या महत्व, क्या है आज का प्रोग्राम, उन्होंने क्या कहा। गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा के आज के बैठक के बारे में देखिए जरूर आगे। आज बैठक हो रही है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की, क्या कहेंगे। आज दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत यह बैठक रखा गया नामांकन के दृष्टि से। जो नामांकन 5 तारीख को मेरा होना है उसी के तहत यह कार्यक्रम है। और चुनाव संबंधित जितने चर्चाएं स्तर की है वह इस बैठक में अभी होना है। लोग अपने अपने बूथों को इतना सशक्त बना सकते हैं उस पर यह संगठनात्मक बैठक NDA की चल रही है। इस बैठक में हम एक ही बात कहना चाहेंगे, आज जो NDA ये एक पंचायत अध्यक्ष स्तर के कार्यकर्ताओं पर विश्वास किया और NDA का प्रत्याशी बनाया गया, यह मेरा सम्मान नहीं है, देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं का यह सम्मान है। और आज देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को लगता है कि राजनीतिक दल में यदि पंचायत अध्यक्ष वार्ड अध्यक्ष से राजनीति शुरू किया जाए तो सांसद तक भी पहुंच सकता है। 5 अप्रैल 2019 दरभंगा कर्पूरी चौक पर गोपाल जी ठाकुर का होगा नामांकन। शहर में घूमकर दरभंगा के लोकसभा क्षेत्र में घूमकर गोपाल जी ठाकुर और उनके कार्यकर्ता सभी लोगों को आमंत्रण कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं उनके नामांकन में आने के लिए। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इस यहां पर जो दरभंगा में ये कार्यक्रम हुआ है, कार्यकर्ता सम्मेलन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का, जिसमें खासकर विधायक के साथ साथ सभी दल के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरभंगा में महागठबंधन का अभी तक फैसला नहीं हो पाया है, देखते हैं आगे क्या होता है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए भारत उदय समाचार।